करनाल के शेल्टर होमों से बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों के लिए रवाना किया गया है। पुलिस अधीक्षक करनाल सुरेंद्र सिंह भोरिया ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई 2020 तक लागू किया गया है। लॉकडाउन होने के कारण पूरे देश में प्रवासी मजदूरों द्वारा अपने गृह राज्यों के लिए पलायन किया जा रहा है, जिस कारण से प्रवासी मजदूरों के पलायन को जिला प्रशासन व सरकार द्वारा गंभीरता से लिया गया जा है। प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्यों या जिलों में पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन व राज्य सरकार द्वारा बस व रेल की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, ताकि किसी भी प्रवासी मजदूर को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े और प्रत्येक मजदूर अपने घर पर सुरक्षित पहुँच सके। SP सुरेंद्र सिंह भोरिया ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन करनाल द्वारा बस व रेल की उचित सुविधा की गई है। जिला प्रशासन करनाल द्वारा आज 1638 प्रवासी मजदूरों को उनके घरों के लिए रवाना किया गया। इन प्रवासी मजदूरों को पहले बस के द्वारा अम्बाला रेलवे स्टेशन तक पहुँचाया गया, फिर अम्बाला से रेल के द्वारा उन्हें बिहार के लिए रवाना किया गया। इसके अलावा 20 मई को कुल 1246 प्रवासी मजदूरों को करनाल से अंबाला पहुंचाने के बाद अंबाला रेलवे स्टेशन से जिला कटिहार बिहार के लिए रवाना किया गया। जिला प्रशासन करनाल द्वारा प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए रोजाना औसतन 20 से 25 बसों को रवाना किया जाता है, ताकि प्रत्येक प्रवासी मजदूर सुरक्षित अपने घरों तक पहुँच सके। देश के उत्तर पूर्व राज्यों में असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय राज्यों के मजदूरों को भी बस व रेल का उचित प्रबंध करके उनके राज्यों में भेजा जा चुका है। जिला करनाल से अन्य राज्य जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर व उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को भी उनके राज्य तक पहुंचाया जा रहा है। सुरेंद्र सिंह भोरिया ने प्रवासी मजदूरों से अपील करते हुए कहा है कि कोई भी मजदूर पैदल ना चले, जो मजदूर जहाँ है वह वहीं रुक जाए। इनके लिए प्रत्येक जिलों में अलग अलग जगहों पर रुकने के लिए शेल्टर होम व खाने पीने का उचित प्रबंध किया गया है। प्रत्येक प्रवासी मजदूर को चाहे वह कहीं भी है, उसको वहीं से बस व रेल के माध्यम से उनके गृह जिलों व राज्यों तक पहुंचाया जाएगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.